आई एम मोहम्मद असरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे डेली ऑनसेट फॉर लर्निंग फैसिलेटर्स का सेशन नंबर 18। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सा एक हाईएस्ट यूनिट है मेमोरी का। ऑप्शंस है गीगाबाइट्स, बाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स। तो इनमें से हाईएस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी का। तो यहाँ पर से ज़ीरो या वन जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसे ज़ीरो या वन को हम एक बिट कहते हैं। जब ये चार बिट हो जाए तो वो एक निबल बन जाता है, और जब ये आठ बिट होते हैं तो एक ऑक्टल या बाइट्स हम कह सकते हैं उसे, बाइट। बाइट्स जब 1024 हो जाते हैं तो उसका किलोबाइट बनता है, और 1024 किलोबाइट्स का एक मेगाबाइट्स यानी कि एक एमबी बनता है 1024 केबी का, और 1024 एमबी का एक जीबी बनता है यानी गीगाबाइट्स, और इसके बाद 1024 जीबी का एक टीबी, उसके बाद अलग अलग और उसके आगे है। तो यहाँ से सबसे हाईएस्ट यूनिट मेमोरी का इनमें से जीबी यानी के गीगाबाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सपोर्ट्स डायरेक्ट लाइव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर फ्रेंड्स और बडीज। इसमें से कौन सा अलाउ करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा फ्रेंड्स से। क्या वो इंस्टेंट मेंबर है या इंस्टेंट मैसेजिंग है या इंटरनेट मेल है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हम IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग इसमें से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसफ़र थ्रू अ सीरियल पोर्ट इज़ फास्टर देन दैट ऑफ अ पैरेलल पोर्ट। डेटा ट्रांसफ़र का जो पोर्ट होता है वो सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्टर होता है पैरेलल पोर्ट में। तो डेटा ट्रांसफ़र थ्रू अ सीरियल पोर्ट, ये भी एक पोर्ट है यानी कि वायरलेस नहीं है, इंफ्रारेड डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो चूँकि डेटा ट्रांसफ़र एक सीरियल पोर्ट के थ्रू जो होगा, दो तरह के जो पोर्ट रहेंगे, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट जो है वो PDA और सीरियल डिवाइसेस के लिए यूज़ होगा, और पैरेलल पोर्ट जो होता है तो वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है प्रिंटर के लिए। तो यहाँ से हम उसे फॉल्स कर देंगे, हमें लगता है कि वो पैरेलल पोर्ट्स ज़्यादा फास्टर है, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड द इंटरनेट। लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वर्ल्ड का उसे हम इंटरनेट कहते हैं। DVD, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब, ये भी ऑप्शंस उसमें थे। तो नेटवर्क की जहाँ पर बात हो रही है तो वो इंटरनेट आता है। वेब यानी कि ये मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है जो ग्राफिक्स वगैरह प्रोवाइड होता है, वेब के थ्रू होता है। इंटरनेट अलग चीज़ है और वेब अलग चीज़ है। वेब बाद में लॉन्च हुआ, पहले इंटरनेट था। इंटरनेट से कनेक्ट करके देता है नेटवर्क से। और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो फ़िलहाल तो हम उसे इंटरनेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज़ अ स्पेशल स्लाइड दैट कंट्रोल्स द फॉर्मेट एंड प्लेसमेंट ऑफ टाइटल्स एंड टेक्स्ट ऑफ फॉर ऑल स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा एक स्पेशल स्लाइड है जो कंट्रोल करती है सारे फॉर्मेट, प्लेसमेंट्स, टाइटल्स के, टेक्स्ट के, सारे स्लाइड्स से। तो वो मास्टर स्लाइड होती है जिससे सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
Next question. The network connecting several computers all over the world is? Network जो connect करता है computers से सारे world में, वो इसमें से कौन सा है? तो वो इंटरनेट है. ये इंटरनेट और इंट्रानेट भी दो चीज़ें अलग अलग है. आर्पानेट भी है रिसर्च एजेंसी, तो ये भी आपको याद रखना है. नेटवर्क भी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन नेटवर्क जो कनेक्ट करता है उसे हम इंटरनेट कहेंगे. तो ये कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है. हमारे पास यहाँ पर टाइम कम होता है इसलिए हम इसे फ़िलहाल इंटरनेट ले लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अडैश इज़ अ प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कॉमन पर्पस डॉक्यूमेंट्स सच एज अ फैक्स, इनवॉइस और बिजनेस लेटर. इसमें से कौन सा एक प्री डिज़ाइन किया हुआ फॉर्मेट होता है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे कि फैक्स, इनवॉइस, बिजनेस लेटर. तो वो टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं एडिट करके हमारा डेटा कि कहाँ पर क्या आना चाहिए. तो हम यहाँ से टेम्पलेट लेंगे. बाकी ऑप्शंस फॉर्म, डेटाबेस, फाइल था. तो टेम्पलेट जो होते हैं प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली ऑल्सो नोन एज. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट को हम और क्या कह सकते हैं? क्या सॉलिडवेयर कहते हैं या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फर्मवेयर? तो ये सारे हार्डवेयर है, तो इसलिए हम यहाँ से हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और प्रोसेसर इज कंटेंट ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर. सिस्टम में, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU या फिर प्रोसेसर जो सिंगल चिप की सूरत में होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम स्लॉट कहेंगे या पोर्ट कहेंगे या माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में एक सिंगल चिप आती है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU मेन होता है. CPU के लिए कूलिंग फैन भी होता है उसके ऊपर जो उसे कूल कर रहा होता है. और इस प्रोसेसर को या चिप, सिंगल चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. तो हम यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर ले लेंगे. नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. डैश एप्लीकेशंस हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स सच एज पर्सनल लेटर्स, फॉर्म लेटर्स, ब्रोचर्स, फैक्सेस एंड इवन प्रोफेशनल मैनुअल्स. इनमें से कौन से एप्लीकेशंस हेल्प करते हैं क्रिएट करने अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पर्सनल लेटर्स, फॉर्म लेटर्स, ब्राउचर्स, फैक्सेस और कुछ प्रोफेशनल मैनुअल्स जो प्रोवाइड करेंगे, वो कौन से एप्लीकेशंस होते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट हम उसे कह सकते हैं. दूसरा है वर्ड पैड, जो कि वर्ड पैड में ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते. नोट पैड तो सबसे बेसिक होता है, उसमें भी ज़्यादा फंक्शंस नहीं होंगे. और लास्ट है नन ऑफ दिस. तो हम इसमें से वर्ड प्रोसेसर ये लेंगे. वर्ड प्रोसेसर लेकर हम उसे यस कर देंगे. तो देखते हैं, हमने फर्स्ट में GB लिया है, गीगाबाइट. सेकंड में IM लिया है, इंस्टेंट मैसेजिंग. थर्ड में फॉल्स किया है. फोर्थ में हमने इंटरनेट लिया है. फिफ्थ में मास्टर. सिक्स में इंटरनेट. सेवेंथ टेम्पलेट, हार्डवेयर. इस तरह से हमने लिया है. और हमें यहाँ पर 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं डेली ऑनसेट सेशन नंबर 18 में. और इसका व्यू एनालिसिस भी दे दिया हुआ है. लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और तब से ये हर सेशन में अब व्यू एनालिसिस आ रहा है. तो जैसे भी हुआ बहुत अच्छी बात है. तो हम इसे नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगी और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ये सारा क्वेश्चन डाल लेंगे. और नेक्स्ट हम फ़िलहाल नहीं लगा सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. तब तक हम इसे आपको पहुंचा देते हैं. थैंक यू वेरी मच.